हमारी जो इंडिया है वो बहुत सारी चीजों में आगे है, हम सिर्फ कृषि में ही क्यों पीछे? किसानी का धंधा जो है ये चौपट होता जा रहा है, और किसान बहुत से तो हमारे समय किसान खेती छोड़ रहे हैं, इसी की वजह से इसमें बच कुछ नहीं रहा। जब फसल हमारी गिरी तो लगा कि मुझे भी गिर जाना चाहिए, बर्बाद हो गई थी फसल हमारी जो है। किसान फांसी भी झूल गया, वो झूल गया, वो असल में है तो ये नकल की वजह से। The average farm yield of India is much lower than the world average, counterfeit products being one of the major factors. Every year, lakhs of farmers knowingly or unknowingly fall into the market traps of counterfeit products and end up deteriorating the quality of their crop, soil, environment, and ultimately their livelihood. जो चीज पिछले साल 2000 रुपए की थी अब 2500 रुपए की मिल रही है, मजदूरी भी बढ़ गई, सभी खर्चे तेल डीजल खाद सभी चीज बढ़ता चला जा रहा है, बच्चों की फीस महंगी हो गई। भैया इत्तेफाक से एक पिछले साल गन्ने की फसल में दवाई लगा दी, वो दवाई नकली मिल गई, और उसने कहा कि ये कुछ कम पैसों की है, काम पूरा करेगी। हमने थोड़ा बजट देखा कि यार थोड़ी सस्ती मिल रही, काम पूरा करेगी, हमने लगा दी। उसका नतीजा लगाने के बाद देखा कि खेत में जिस काम के लिए लगाई थी वो उसने दवाई ने वो काम करा ही नहीं। वो एक दो साल पहले ये थी कि आम चर्चा थी एक दवाई की कि ये सस्ती भी है और अच्छी भी है, अगर ये लगाओगे तो दवाई के पैसे भी कम पड़ेंगे और फायदा भी पूरा करेगी। तो हमने भी 3-4 एकड़ में लेके लगा दी, लेकिन उसने तो इतना बुरा हाल फसल का कर दिया, फिर हमें दोबारा से दवाई ला के असली वाली लगाने पड़ी, तब उसमें जाके कीड़े जो थे खेत के वो मरे, उसमें हमें घाटा, लेबर का भी घाटा रहा, दोबारा पैसा लगाना पड़ा, लेकिन वो खेत जो 25-30% के घाटे में ही फसल निकली। बीच में पिछले विगत वर्षों में दो लोग मेरे दरवाजे पर आए और अचानक मुझसे जो है कुछ दवाओं को दिखाने लगे, मैं कानपुर की अच्छी कंपनी की दवा दे रहा हूँ, आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, दवा डालने के बाद हमारी फसल रोग पर नियंत्रण कहाँ से होगा, दिन पर दिन फसल हमारी जो है एकदम वीक होती गई, पीली पड़ने लगी। उससे हमारी पैदावार घटने के कारण हमारी आमदनी बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसमें लगभग जीरो आ गया, जो लागत मैंने लगाया वो अभी लागत उसमें से किसी तरह से भी नहीं निकाल पाया उसे, और स्थिति ये हुई कि हमारे बच्चे की फीस भी नहीं मतलब भर पाए थे हम उस साल, हमको बैंक से लोन लेना पड़ा उसके लिए। मेरे यहाँ बहुत ऐसे किसान हैं जो हमेशा आत्मदाह कर ले रहे हैं, क्यों? यही सारे समस्या के वजह से किसान इतना पूंजी लगाता है, दुकानदार क्षण भर के लिए उसको डुप्लीकेट दवा देके उसको ठग लेता है, ये नहीं करना चाहिए। The illegal and counterfeit pesticide business is globally valued at approximately $6.5 billion. If consolidated, this can become the fourth largest business in the industry. In India, the crop protection industry is roughly valued at around 19,000 crore rupees, 15-35% of which is generated by the illegal and counterfeit companies. हमारे यहाँ ये जो किसान है वो पढ़ा लिखा कम और जागरूक कम है। ओ किसान इतना तो जागरूक है नहीं कि जो अपनी मर्जी से जाके कहे दुकानदार से कि ये मुझे चीज दे दो, जो दुकानदार ने उठवा दी वो ले आया। बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो डुप्लीकेट बाजार में बेचते हैं और डुप्लीकेट बेच के बाजार को एकदम खराब कर दिए हैं। अगर किसान डुप्लीकेट दवा का प्रयोग करता है तो उसके जीवन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, पूरे परिवार पे असर पड़ता है। अगर उसके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी दुनिया भर की समस्याएं होती हैं, फीस भरना है और चीज़ें हैं, आर्थिक स्थिति खराब होने से उसे बहुत समस्याओं में घिर जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा, इससे सारा सर्किल चेंज हो जाएगा। आप किसान परेशान, हम परेशान, कंपनी परेशान, और जो मेन चीज है जो सोयल है उसका स्ट्रक्चर करेक्टर सब चेंज हो रहा है। इंडिया बीइंग अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री, फार्मर्स एंड रिटेलर्स वाउच फॉर चीपर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द रिपरकशन, थस अफेक्टिंग सोयल एंड बिजनेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जब आप अच्छी दवाइयां देंगे भले ही उसमें कम प्रॉफिट हो, लेकिन टर्नओवर ज्यादा होगी तो प्रॉफिट तो आएगा ही निकल के। लेकिन जब किसान की दृष्टि से हम देखें, उसे जब प्रॉफिट होगा, असली प्रॉफिट तभी हमें होगा। एक गुडविल, एक ख्याति दुकानदार की होती है, तो मतलब अगर ख्याति चली गई तो दुकानदार के पास कुछ बचता नहीं है। जो लोगों ने दो नंबर का ये धंधा किया या मतलब गलत दवाएं बेची, उससे वो लोग और आज की डेट में नीचे हैं, क्योंकि सामने वाले के लिए तुम गड्ढा खोद रहे हो तो खुद भी तो गड्ढे में गिरोगे। और हमें इसका बेनिफिट इसलिए मिल रहा है कि हम अच्छी दवा बेच रहे हैं, तो उसका बेनिफिट है हमारे साथ कि हम आज ग्रोथ में हैं।
उस दुकानदार के खिलाफ बहुत लोगों को बताया कि भाई ये बहुत गड़बड़ दवा बेचता है, नकली दवा बेचता है, सिर्फ बढ़िया होर्डिंग लगाया है और फर्जी कंपनियों की दवाएँ बेचता है, और दुकानदार किसानों को क्या ही नकली दवा दे के ही धोखा देगा, तो भगवान उसको माफ़ नहीं करेगा। इसी तरह से अन्य किसानों को भी उसने दवा घटिया दवा बेच दिया था, तो बाद में कुछ किसान उसके ऊपर मुकदमा कर दिए और बाद में वो जेल भी गया। वो और आपको जान के इस बात का ताज्जुब होगा कि जेल से लौट के आया तो उसको इतना सदमा उस दुकानदार को ही लगा कि उसकी डेथ भी हो गई इस दुकानदार की। तो एक बार तो हम नकली दवा किसान को दे देंगे, नहीं काम किया उस पर हम 10-20 रुपये ज़्यादा ही कमा लेंगे, लेकिन इसके बाद फिर जब किसान दुकान पे नहीं आएगा तो उस दिन से हमारी आय बंद हो जाएगी। The need of the hour is awareness of the right agricultural practices and inputs to understand the benefits of an original product over the counterfeit. हम तो कहेंगे कि खेती जितनी अमीर सौदा कोई है ही नहीं, बस ये नकल सरकार रोक दे। हम तो कह रहे हैं लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के इस खेती में आ जाएंगे। This is how you counter the counterfeit problem. 1. Please make sure you buy from licensed or authorized retailers only. 2. Always ask for invoice or the bill of purchase. 3. Be careful with extraordinary deals or excessive discounts. 4. In case of any doubts, please contact the nearest plant protection inspector or call our FMC customer care representative at 1-800-200-4545. FMC company jo hai मतलब किसानों की शुभचिंतक है और तरह के अभियान या चला रही है, तो उससे मतलब काफ़ी जागरूकता बढ़ेगी किसानों में। मान लीजिए कि हमको अपने स्वयं पहले जागरूक रहना पड़ेगा, हमको कोई भी दवा खरीदने से पहले उसके बारे में जानना होगा। जितना ध्यान हम अपने शरीर पर देते हैं, अपने परिवार के शरीर पर देते हैं, अच्छी दवाई लाते हैं, खेती पर भी इतना ही ध्यान दो। ये भी एक हमारी रोजी रोटी है, हमारी माँ, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो ये हमेशा प्रयास रहे कि अच्छा माल बेच के 10 रुपया कमाएं, जिंदगी भर कमाते रहें। किसान को ठगने के चक्कर में कभी मत रहिए, नहीं तो भला नहीं होना है। दुकानदार भी मिले और किसान भी मिले, और नकल से बिल्कुल नकल को देश से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये देश किसानों के ऊपर है। जब किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश भी खुशहाल हो जाएगा। किसान का जब कल्याण होगा तभी देश का भी कल्याण है।